ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमोह जिले में इस बार वर्चुअल तरीके से रावण दहन किया जाएगा। रावण दहन के कार्यक्रम को आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल फोन के माध्यम से देख सकते हैं, जिसको लेकर के राम जी सेवा समिति और प्रशासन के आला अधिकारियों ने मिलकर व्यापक स्तर के इंतजाम किए हैं। कोरोना संकट काल में भी 40 साल पुरानी परंपरा को जिंदा रखने के लिए वर्चुअल तरीके से रावण दहन के साथ साथ लोगों के मनोरंजन के लिए आतिशबाजी और रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। आपको बता दें, राम जी सेवा समिति लगभग 40 सालों से लगातार रावण दहन का कार्यक्रम करती आ रही है और कोरोना संकट काल में भी इस परंपरा को जिंदा रखा जाएगा। कोरोना काल इस समय चल रहा है, संक्रमण का काल है और ऐसे में श्री राम जी सेवा समिति ने अपने 40 वर्षों से चले आ रहे कार्यक्रम रावण दहन को ऑनलाइन दिखाने का फैसला किया है और इसके लिए हमने अपना YouTube चैनल खोला है, अपना Facebook ID बनाई है और श्री राम जी सेवा समिति का Facebook पेज बनाया है, जिस पर 25 अक्टूबर शाम 5 बजे से आपको जो लिंक आएगी YouTube की, उस पर आप रावण दहन ऑनलाइन का कार्यक्रम देख सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ रहा है, उसमें हमें कहीं ना कहीं उन सब चीजों को, प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी परंपराओं का निर्वहन करना है और हमें अपने उल्लास रोमन के साथ में त्योहारों को मनाना है। इसमें एक बहुत अच्छा प्रयास समिति के द्वारा किया गया है कि जिसमें वो प्रतीकात्मक रूप से जो पटाखे से जो रावण है वो जलाएंगे ग्राउंड में, लेकिन ऑनलाइन एक वर्चुअल रावण दहन उनके द्वारा किया जाएगा, जिसमें दूर दराज में बैठ करके भी लोग उसका आनंद ले सकेंगे। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल है। श्री राम जी सेवा समिति दमोह द्वारा इस वर्ष रामलीला एवं रावण दहन का आयोजन ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। यह एक सराहनीय कदम है। कोविड के संक्रमण के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए उससे बचाव के लिए मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि संबंध में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए पन्ना जिले के पवई के प्रसिद्ध स्थल मां कलही देवी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें 51 दीपों से मां कालेही की आरती की गई। वहीं मां आरती को देखने के लिए मंदिर परिसर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें, हर वर्ष शारदीय नवरात्रि में मां कालेही देवी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस साल कोरोना महामारी की वजह से मंदिर परिसर के अंदर सीमित श्रद्धालु ही शामिल हुए और मंदिर परिसर के बाहर LED स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया।